ओ पापी मन कर ले, मौका मिला है तो कर ले जतन, क्यों बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई के जब होगा राम नाम सत्य सत्य बोलो सत्य, फिर कहो हे भगवान भजन नहीं कर पाए ठटरी के बरे। हाँ? जब तक जिंदा रहे भजन नहीं करो, अब मर गए सो रो रहे। और कई लोग ऐसे ही होते हैं जब जो अच्छा, कई लोग हमने देखे जो उन्हें प्राप्त वस्तु है करोड़ों की, उसकी कीमत दो कौड़ी की समझते, और जो दो कौड़ी की वस्तु है वो मिली नहीं है उसे करोड़ों की समझते हैं। जो प्राप्त है करोड़ों की चीज वो दो कौड़ी की समझते, और जो प्राप्त नहीं है वो दो कौड़ी की चीज करोड़ों की समझते। भगवान की भक्ति जो तुम्हारे नजदीक है वो करोड़ों की है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं समझता। माया दो कौड़ी की है, उसकी कीमत की बोली लगा रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य से बचने के लिए सौभाग्य की आवश्यकता, और भगवान का कथा भगवान की कथा ही परम सौभाग्य है। अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्त के आदि। कैसे? एकदा ही विशालायम चत्तार ऋषयो मन, एक बार विशालापुरी नाम बद्रीनाथ, बद्रीनाथपुरी में चार ऋषि कौन कौन, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कुमार घूम रहे थे। उसी समय नारद जी दिखाई पड़े। आह नारद जी, मुंह लटकाए कहां घूम रहे, ये तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है, क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है, क्या बात है महाराज? अरे आप तो महात्मा हो, महात्माओं के भी अगर मुंह लटके होंगे तो गृहस्थियों के तो बेचारे हार्ट अटैक में मर जाएंगे, गृहस्थी क्या करेंगे, महात्मा को तो प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा प्रसन्न क्यों रहना चाहिए? देखो एक बात, चिंता उसको हो जिसको कुछ, जिसके पास कुछ हो। चिंता किसको होती है? जिसके पास कुछ हो उसको चिंता, मकान है गाड़ी है, अब गाड़ी है तो गाड़ी में डीजल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, सर्विसिंग चाहिए। अब जिनके गाड़ी नहीं है सो ठटरी भरा है चिंता, जब गाड़ी नहीं तो जो डीजल बढ़ रहा हो क्या घट रहा हो, पेट्रोल पंप वालों जाने, क्योंकि इधर गाड़ी नहीं है तो चिंता कौन करता। अरे चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी नंदलाल। चिंता कौन करता? जिसके पास। अच्छा एक बात और, जिसके पास जितना ज्यादा उतनी चिंता। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी बन जाए, और जो कोई बड़े आदमी बन जाए उसे पूछो ईडी की चक्कर, टैक्स ना घिर जाए, इनकम टैक्स पर जो टैक्स पर वो टैक्स, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जिन लोग कछु है ही नहीं है बोले चलो हमसे कू का महाराज जी, चलो अभी तक आगे भैंस ना पीछे पड़ा, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। चिंता कौन करता? देखो सच बात है, चिंता करते गृहस्थी, चिंतन करते महात्मा, इसलिए महात्मा पूजनीय है गृहस्थियों से ज्यादा। एक बात और, दूसरी बात, मां महात्मा बराबर परमात्मा है? मां जन्म देती, महात्मा भक्ति का जन्म देते, और जब दोनों का संयोग जीवन में जुड़ता है तो फिर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आहा, तो कथम ब्रह्मन दीन मुखा, नारद जी मुंह क्यों लटकाए अपना, क्या कारण है? नारद जी बोले महाराज कुछ मत पूछो। अरे नहीं बताओ बताओ बताओ। नारद जी बोले महाराज इस पृथ्वी पर आए थे हम सत्संग करने, इसका मतलब क्या हुआ? और अन्य लोकों में भगवान का सत्संग नहीं मिलता, इसी पृथ्वी पर मिलता है। नारद जी सत्संग मिला? बोले काय को मिला, मिला होता तो यही हाल होता,
क्योंकि सत्संग में जाने से ही अपने आप मुख प्रसन्न हो जाता है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं ठीक। कहाँ कहाँ गए महाराज? हम बहुत जगह घूमे, महात्माओं के पास गए, सत्संग नहीं मिला। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कलयुग का प्रभाव है ऐसा। नारद जी बोले भैया हम एक महात्मा के पास गए, आश्रम देखा बहुत लंबा चौड़ा 20-25 मंजिल का। हमने एक महात्मा से पूछा किसका आश्रम है? एक जने बोले त्यागी जी का। नारद जी बोले जय हो, नाम त्यागी जी, मंजिल 25। नारद जी बोले यहां तो सत्संग कर नहीं बेकार है, दूसरी जगह चलो। नारद जी बोले भैया दूसरी जगह गए। दूसरी जगह गए तो 20-25 भगवान रंग के कपड़े सूख रहे थे धूप में साफ होकर के। नारद जी ने सोचा यहां महात्मा ही महात्मा रहते हैं। नारद जी ने दूसरे महात्मा से पूछा महाराज ये किसका आश्रम है? नारद जी बोले भैया जवाब आया सो हमें अटैक आ गए। बोले क्या जवाब आया? बोले जवाब आया ये नागा बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले जय हो, कपड़ा 25-30, नाम नागा बाबा। नारद जी बोले और आगे बढ़े, यहां भी सत्संग करने लायक। तीसरी जगह गए, 10-12 छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाए, यज्ञोपवीत पहने, माला कंठी धारण किए, बटुक आहा, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे, बड़े सुंदर गोल मटोल, बड़े अच्छे लग रहे थे, वो स्वस्ति तिलक हेलमेट जैसा लगाए थे, आनंद आ रहा था। नारद जी बोले महाराज हमने महात्मा से पूछा ये किसके बच्चे हैं? नारद जी बोले जहां जवाब सुना सो हमें तो लगा हे भगवान अब धरती फट जाए। बोले क्यों? बोले जवाब आया बोले ब्रह्मचारी जी के। नारद जी बोले जय हो जय हो जय हो जय हो। नारद जी बोले यहां भी रुक नहीं बेकार, आगे जगह चलो। गुरु भैया एक जगह और गए, शाम हो गई सो गए, शोर इतना मचा कि 9 बजे ही नींद खुल गई। अब नींद खुली हमने पूछा ये किसका आश्रम है? जवाब आया बोले मौनी बाबा जी का। नारद जी बोले हम समझ गए कि संतों के पास में अब सत्संग मिलने वाला नहीं है।